आवाज तारीखें हम तक न पहुंचती, ये हकीकत है कि नहीं? जाहिर है कितनी लाइब्रेरियां जला दी गई, कितने उलमा को कत्ल कर दिया गया। मैं अहले बैत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मासूमीन की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद जिन अफराद ने अहले बैत के वो उलूम को निकाला, ढूंढा, तलाश किया, उजागर किया, लोगों तक पहुंचाया और पहुंचाने के बाद अपने आप को इस मंजिल पर पहुंचाया कि खुद को कह सकें कि हाँ, मैं दर अहले बैत का एक गुलाम और एक नौकर हूं। अफसोस होता है कि आज भी इसी मिंबर से उन साबिका उलमा के खिलाफ ज़बानें खुलती हैं। सरजमीन आजमगढ़ पे एक मशहूर कस्बा है मुबारकपुर, वहां पर एक मौलाना आए थे, मौलाना शाहिद हसन रिजवी साहब। बहरहाल मैं इनसे ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, बस नाम सुना है। नकले कुफ्र कुफ्र न बाशत, इसी जाविये में मैं ये जुमला कह रहा हूं, इसलिए कि मैं उनका जुमला दोहरा दूं। अब जुमला सुन ले, उनका जुमला, ऐसा ना हो कि ये भी क्लिप काट के हमारे जुमले के तौर पे इसको नशर कर दे और सारी की सारी बातें हम पर आ जाएं। वो क्या कहते हैं, कुछ वलदुल हराम, लफ्ज टू लफ्ज, कुछ वलदुल हराम मिंबर पर आकर कहते हैं कि मौला अब्बास की रिश्तेदारी नानी आली तौर पर सिमर से थी। जिसके जहन में ये शजरा है और जो ये समझता है कि ये सही है, उसके भी शजरे को बातिल करूंगा, वरना मैं वो कहते हैं, मैं शहजादी का नमक नहीं खाया, मुझे नहीं मालूम उनकी शख्सियत क्या है, उनका इल्मी मेयार क्या है, मुझे उससे न मतलब है न उसे सरोकार है। मैंने सोचा कि जिस नजफ के, जिस कुम के उलमा, खुतबा, मराजे अजाम अपनी किताब को ओढ़ना और बिछौना समझते हैं, पूरी जिंदगी अपनी इल्मे दीन सीखने और सिखाने में सर्व कर देते हैं, और ये चंद दिन के खतीब मिंबरे हुसैनी से सरे मिंबर आकर मजमे के सामने उनको गालियां देकर चले जाते हैं। अफसोस तो इस पर होता है कि सामाइन भी क्या खूब है, सुभान अल्लाह के नारे बेबाकी से लगा रहे होते हैं। इस्लाम में रिश्तेदारी की, इस जैसी रिश्तेदारी की, इस जैसी वैसे भी कोई अहमियत नहीं है, कोई मेयार नहीं है। तुम एक रिश्तेदारी के चक्कर में उलमाए साबिका को गाली दे रहे हो, उलमाए साबिका के लिए ऐसी गुफ्तगु कर रहे हो। जनाब आदम नबी अल्लाह का बेटा था, बेटा होगा, न उसे मतलब है न सरोकार है, वो लानतुल्लाह है। जनाब नूह का बेटा था, बेटा होता रहे, नाम से मतलब है न सरोकार है। जनाब नूह की बीवी थी, रहती रहे, नाम से मतलब है न सरोकार है। उम्मत इब्तिदा को छोड़ दीजिए, अपनी उम्मत में आइए, हमारी उम्मत के सरकार, हमारी उम्मत के सरताज, जिनकी जौजा को हम विलायत के तराजू पर तोलते हैं, अगर विलायत के तराजू पर खोरी उतरी तो फिर सुभान अल्लाह, वरना लानतुल्लाह।